हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ्स मजाक पर। मैं हूं दोस्तों इंजीनियर के जी सर। तो दोस्तों आइए आज हम बोर्ड मास को आगे बढ़ाते हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जब प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड एक साथ हो तो कैसे करेंगे, है ना। आइए एक बार रिमाइंड करा देते हैं आपको, फिर से भाग बताते हैं। तो दोस्तों फिर से जैसा मैं कहता हूँ, अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो आइए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक बार रिवीजन करा देता हूं, जहां प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड हो तो कैसे करते हैं। आइए एक क्वेश्चन लेकर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जैसे एक क्वेश्चन ले लेते हैं, 15 डिवाइडेड बाई 5 माइनस 3 इंटू 16 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 2 माइनस 6 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 3 इंटू 14 डिवाइडेड बाई 7। ये देखिए दोस्तों हमारे पास एक क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको अगर हम सोल्व करने के लिए जाते हैं तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा ना, कि मैंने बताया था कि यहाँ पर देखिए डिवाइड है, माइनस है, मल्टीप्लाई है, डिवाइड है, प्लस है, माइनस, डिवाइड। इसका मतलब है कि ऑल द सिंबल्स आर हियर, यहाँ पर सभी सिंबल लगभग मौजूद है। प्लस भी है, माइनस भी है, जोड़ भी है, घटाव भी है, गुणा भी है और भाग भी है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग किसका काम करेंगे, तो सबसे पहले ना दोस्तों पहले हम लोग भाग का काम करेंगे, है ना, डिवाइड का काम करेंगे। डिवाइड का काम हो जाएगा तो मल्टीप्लाई पे आएंगे, फिर माइनस पे आएंगे और उसके बाद प्लस पे। तो आइए देखते हैं कैसे। सबसे पहले 15 में अगर 5 से देखिए आप, डिवाइड यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है और यहाँ पे है। तो 15 में अगर 5 से भाग लगाएंगे तो कितना आएगा, 3 माइनस 3 और इंटू का जगह इंटू। देखिए 15 में 5 से भाग दिए तो 3 आ गया ना दोस्तों, माइनस की जगह माइनस हो गया, 3 की जगह 3 और ये मल्टीप्लाई की जगह मल्टीप्लाई। लेकिन यहाँ पे देखिए 16 डिवाइडेड बाई 4 है, इसका मतलब है कि ये कितना हो गया, 4 प्लस कितना हो गया, 2 माइनस की जगह माइनस। और फिर यहाँ पे देखिए डिवाइड है, 6 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू कितना होगा दोस्तों, 3 माइनस 3 इंटू। और 14 में अगर आप 7 से भाग देंगे ना, तो 14 में अगर 7 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे, पहले 3 माइनस ये देखिए मल्टीप्लाई है ना यहाँ, तो 3 और 4 का मल्टीप्लीकेशन कितना होता है, 12 प्लस 2 माइनस 3 माइनस, और ये दोनों मल्टीप्लाई होगा तो 3 और 2 का मल्टीप्लीकेशन कितना होता है, 6। अब फिर अगला रूल क्या कहता है कि अगर जो प्लस में हो और माइनस में, तो प्लस वाले को एक साथ करेंगे और माइनस वाले को क्या करेंगे, एक साथ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए ये 3 प्लस में और ये माइनस में, तो ये तो कट गया ना, और ये 2 माइनस 12 माइनस 6, इसका मतलब है कि 2 माइनस कितना हो गया, 18। तो ये हो गया दोस्तों 2 माइनस 18 का मतलब होता है एक प्लस में एक माइनस में, मैंने बताया था ना एक प्लस में हो जाए एक माइनस में, तो इसको घटा लेंगे, 18 में 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 16। और ये माइनस जो 18 है ये बड़ा है और ये माइनस में है, इसका मतलब है कि ये माइनस हो जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगर क्वेश्चन में क्या होगा, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई के अलावे अगर काट लिखा हुआ हो, जिसको इंग्लिश में ऑफ भी बोलते हैं, ऑफ लिखा हुआ हो, का लिखा हुआ हो और उसके बाद हमें सोल्व करना होगा तो कैसे सोल्व करेंगे उसके बारे में देखेंगे, वो भी बहुत आसान होता है दोस्तों। तो आइए चलते हैं, देखते हैं का रहेगा तो और ब्रैकेट रहेगा तो। तो आज के वीडियो में मैं आपको बोर्ड मास को आगे बढ़ा रहा हूँ, आपको बोर्ड मास सिखा रहा हूँ, और अगर आप एक बार बोर्ड मास सीख जाएंगे तो फिर जिंदगी में नहीं भूलेंगे, ये मेरा वादा है। तो आइए चलते हैं, पहले मैं बोर्ड को साफ कर देता हूँ, उसके बाद मैं आपको ऑफ के बारे में बताता हूँ। आइए देखते हैं ऑफ रहेगा का रहेगा तो। देखिए दोस्तों मैं फिर से बता दूं, हिंदी में का लिखा हुआ दिखाई देगा आपको और इंग्लिश में ऑफ, ठीक है, बस इतना ही फर्क होता है। ऑफ मीन्स का होता है, ओ डबल एफ ऑफ लिखा रहेगा इंग्लिश में और हिंदी में रहेगा का, ठीक है। जैसे देखिए एक क्वेश्चन हो गया, मान लीजिए 3 माइनस 16 ऑफ 3 बाई 4 प्लस 2 माइनस 24 ऑफ 3 बाई 4 डिवाइडेड बाई 9 माइनस 6 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2 प्लस 5 माइनस 7। ये हो गया दोस्तों आपके पास एक क्वेश्चन, ठीक है, इसको हमें सोल्व करना है। तो सबसे पहले देखिए आप का है ना, इसी को हिंदी में का बोलते हैं, ऑफ के जगह क्या लिखा रहेगा, का। तो मैं याद कीजिए, मैं आपको बताया था बेसिक क्लास में, जहां पर मैं आपको इंट्रोडक्शन दे रहा था, इंट्रोडक्शन क्लासेस में मैंने आपको बताया था का की क्रिया कीजिए, ताको दीजिए भाग, फिर कीजिए गुणा, पीछे जोड़ और तब घटाओ, बोला था ना मैंने ऐसा बात।
तो यानी सबसे पहले हमें किसका काम करना है, का की क्रिया करना है। सबसे पहले हम लोग का क्रिया करेंगे, का काम करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो का काम करने के बाद अगर का काम संपन्न हो जाए, खत्म हो जाए, तो उसको हम लोग उसके बाद क्या करते हैं, भाग का काम करते हैं, फिर गुणा का, तब जोड़ और उसके बाद घटाओ। आइए देखते हैं कैसे एकदम आसानी से आप समझते चलिए। तो यहाँ पर देखिए आप, ये का है ना, तो का कहने का मतलब ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन। अगर इसको आप हटाएंगे ना, 30 माइनस 16 का मतलब 3/4 प्लस 2 माइनस 24, फिर ऑफ है ना, तो इसका मतलब हो गया 3/4 डिवाइडेड बाई 9 माइनस 6 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2 प्लस 5 माइनस 7, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर इस तरह से दिया हुआ है ना, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे देखिए। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे डिवाइड है और यहाँ पे मल्टीप्लाई है, तो यहाँ भी तो मल्टीप्लाई है। तो सबसे पहले आप लोग ऐसा तो नहीं, अगर आपके दिमाग में चल रहा है ना कि सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि इसको मल्टीप्लाई को कर लेते हैं, सॉरी इसको डिवाइड को कर लेते हैं फिर मल्टीप्लाई को कर लेंगे, ऐसा आपके माइंड में अगर चल भी रहा होगा तो बहुत गलत चल रहा है दोस्तों। क्यों? क्योंकि मैंने ये मल्टीप्लाई किसके बदले दिया, इसके बदले दिया है ना, तो इसका मतलब है कि ये ऑफ है ना, तो पहले इसका काम होगा, और यहाँ पे भी ऑफ है ना, तो यहाँ पे पहले इसका काम होगा। ये चीज आप माइंड में हमेशा रखे रहिएगा, ऐसा कभी मिक्स मत कर दीजिएगा कि पहले डिवाइड कर लेते हैं और फिर ये इसको करते हैं। ऐसा अगर आप करते हैं या सोचते भी हैं तो बहुत गलत सोचते हैं, ऐसा आपको सोचना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि ये ऑफ है और ऑफ में यहाँ पर सिंबल जो होता है ऑफ के बदले मल्टीप्लाई का होता है, इस वजह से मैंने इसको ऐसे लिखा है। समझ में आया दोस्तों? तो आइए चलते हैं इसको सोल्व करते हैं, मैं आपको तरीका बताता हूँ कैसे बताए। और देखिए बस इसमें एक ही रूल है, पहले ऑफ का काम कीजिए, ऑफ को हटाइए, मल्टीप्लाई का चिन्ह दीजिए, लेकिन जो मल्टीप्लाई का चिन्ह आप दिए वो ऑफ के बदले दिए, इसीलिए सबसे पहले आप उसका काम करेंगे, उसका काम करने के बाद तब आप क्या करेंगे, फिर डिवाइड फिर मल्टीप्लाई, ठीक है ना। आइए चलते हैं देखते हैं कैसे। तो ये दोस्तों ये 4 बार में कट जाएगा, 4 से 4 बार में 16 और 4 से यहाँ 6 बार में कितना हो जाएगा दोस्तों, 24। और तो ऑफ कहीं नहीं था ना, दो ही जगह था, तो ये देखिए अब कितना हो गया, 3 माइनस 4 और 3 का 12 हो जाएगा प्लस 2 माइनस 6 और 3 का 18 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 9 माइनस 6 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2 प्लस 5 माइनस 7। ये देखिए दोस्तों अब जो हो गया ऑफ खत्म हो गया। एक एक स्टेप एक एक चीज को हम लोग सोल्व करते हैं, और अगर आप ऐसा करते हैं तो एकदम आसानी से बोर्ड मास आपके पास बनकर तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले ऑफ का क्रिया होता है ना, तो ऑफ का काम हमने कर दिया, ऑफ का काम खत्म हो गया। अब किसका काम करेंगे, तो जरूर डिवाइड का काम करेंगे और फिर मल्टीप्लाई का, है ना। तो अगर डिवाइड का काम करेंगे ना, तो ये 3 होगा, ये -12 + 2 माइनस, अब यहाँ पे डिवाइड है ना दोस्तों, 18 डिवाइडेड बाई 9, तो ये कितना हो जाएगा 2, और ये माइनस की जगह -6 डिवाइडेड बाई 3, 3 हो जाएगा इंटू 2 हो जाएगा +5 होगा -7 होगा, ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद किसका काम करेंगे, प्लस माइनस का नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि बिल्कुल यहाँ पे मल्टीप्लाई है, तो यानी कि गुणा का काम पहले करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम लोग काम करेंगे गुणा का, तो इस तरह से गुणा का काम करने के बाद क्या होगा कि जैसे हम लोग गुणा का काम करेंगे इस जगह पर, तो ये 3 माइनस 12 प्लस ये देखिए 2 रहेगा, -2 -3 और 2, तो 3 2 जा कितना होगा दोस्तों 6 प्लस 5 और ये -7। अब क्या होता है कि तो क्या होगा यहाँ पर, अब इतना होने के बाद अब हम लोगों के पास क्या बच गया, प्लस और माइनस बच गया है ना। तो प्लस और माइनस अगर बच जाता है तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, पहले प्लस वाले को एक साइड लिख लेंगे और माइनस वाले को एक साइड। लेकिन अगला रूल ये भी तो कहता है ना दोस्तों कि अगर कोई प्लस में हो और कोई माइनस में हो तो उसको क्या करेंगे हम लोग, इजीली कैंसिल कर देंगे। जैसे कि +2 और ये -2, तो ये कट गया ना। अब देखिए प्लस में कौन कौन है, ये 5 है और ये 3 है, तो 3 + 5 एक साथ हो जाएगा दोस्तों, और -12 -4 -7 एक साथ हो जाएगा, तो 3 5 कितना हो गया दोस्तों 8 - 12 - 11, तो 8 - 12 और 11 कितना होगा दोस्तों, तो 23, और 8 में से 23 जाएगा ना दोस्तों, तो 15 बचेगा माइनस में। क्यों? क्योंकि देखिए 12 और 11 दोनों माइनस में है और ये 8 प्लस में अकेला है, तो 8 तो रह गया और 12 और 11, तो 12 और 11 अगर जोड़ेंगे ना दोस्तों तो 23 होगा, और 23 और 8 ये प्लस में है ये माइनस में है,
ये माइनस हो गया और ये प्लस हो गया, तो इसको आप करेंगे तो ये माइनस 15 हो जाएगा। फिर से देखिए दोस्तों, इसमें मैंने क्या किया, पहला स्टेप पहला लाइन में मैंने ऑफ को हटा लिया, दूसरे स्टेप में मैंने डिवाइड वाला काम को किया, तीसरे स्टेप में मैंने मल्टीप्लाई वाले का काम किया, और चौथे स्टेप में मैंने प्लस माइनस का काम किया। प्लस को एक साथ लिखा, माइनस को एक साथ लिखा, और फिर देखिए कितना आसानी से ये बोर्ड मास सोल्व हो गया। तो इस तरह से ये ऑफ वाला काम होता है। आइए दोस्तों एक और क्वेश्चन मैं लेकर चलता हूँ ऑफ का, उसके बाद आपका ऑफ जो होगा वो खत्म हो जाएगा, फिर हम लोग क्या करेंगे ब्रैकेट का काम करेंगे। तो आइए दोस्तों देखते हैं ऑफ का एक और क्वेश्चन, आइए देखते हैं एक और क्वेश्चन को, है ना। तो ये 4 डिवाइडेड बाई 32 ऑफ 1/16 माइनस 24 ऑफ 3/8 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 2 इंटू 16 डिवाइडेड बाई 8 इंटू 2। ये देखिए दोस्तों हमारे पास एक क्वेश्चन है, ठीक है। आइए इसको हम लोग सोल्व करते हैं। इससे पहले कि मैं सोल्व करूं, मैं यहां से हट जाता हूं, आप एक बार सोल्व करने की कोशिश कीजिए। उम्मीद है दोस्तों आपने ऐसा किया होगा, वीडियो को रोका होगा, क्वेश्चन को सोल्व किया होगा। अब आइए मैं दिखाता हूं बनाकर कैसे बनेगा। तो सबसे पहले इसमें भी वही रूल रखेगा दोस्तों, क्या रूल लगेगा, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ऑफ दिया हुआ है ना, तो पहले ऑफ का काम कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए ऑफ का काम करते हैं, सबसे पहले उसको ऑफ को निपटाते हैं। तो आइए देखिए, अब डायरेक्ट यहाँ ऑफ है तो इसका मतलब आप मल्टीप्लाई समझेंगे, ठीक है। तो ये देखो 16 से दो बार में ये कट जाएगा, और ये 8 से कितना बार में कटेगा दोस्तों, 3 बार में कटेगा। इसका मतलब है यहाँ पर कितना बच गया, 4 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2 माइनस 3, सॉरी 3 नहीं बल्कि यहाँ पर आप देखो 3 और ये 3 ऑफ है ना, मतलब मल्टीप्लाई है, ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा इंटू 6 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 2 इंटू 16 डिवाइडेड बाई 8 इंटू 2, ठीक है। अब आइए देखते हैं उसके बाद क्या करते हैं, भाग का काम करते हैं, है ना। तो भाग भाग का काम मतलब भाग कर रहे हैं, यहाँ पर जो डिवाइड है उसका काम करते हैं। तो 4 में 2 से भाग लगाएंगे दोस्तों, तो 2 माइनस 9 हो जाएगा गुणा 6 में 3 से भाग लगाएंगे ना दोस्तों, तो 2 आएगा, 3 दूना 6 होता है ना, माइनस 2 गुणा अब 16 में 8 से भाग लगाएंगे दोस्तों, तो 8 दूनी 16 और ये 2 हो गया, ठीक है दोस्तों। उसके बाद 2 माइनस गुणा का काम करेंगे, 9 दूनी 18 माइनस 2 दूना 4 दूनी 8। अब ये देखिए ये दोनों माइनस में है और ये प्लस में है, ये बेचारा अकेला रहेगा, और 18 वाट कितना होगा दोस्तों, 26। अब देखिए ये इसके पहले कुछ नहीं है, मतलब प्लस है और ये माइनस है, तो मैंने आपको बता रखा है एक प्लस में हो और एक माइनस में हो, तो इसको हम लोग घटा लेते हैं। तो घटाएंगे दोस्तों तो कितना आ जाएगा, 24। अब जो बड़ा है ना उसके पीछे का चीज, बड़ा 26 है, इसके पहले माइनस, तो ये माइनस, तो ये हो गया दोस्तों इसका आंसर। उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आया होगा। तो अगले वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आऊंगा ब्रैकेट का सवाल। यहाँ तक मैंने आपको बता रखा कैसे हम लोग प्लस माइनस गुणा भाग और ऑफ का काम को करेंगे एक साथ। तो दोस्तों अगले वीडियो में मैं आपसे ब्रैकेट के साथ मिलूंगा, लेकिन अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन ऑल कर लीजिएगा। इससे क्या होगा दोस्तों कि जब भी मैं वीडियो डालूंगा तो सबसे पहले आपके मोबाइल तक पहुंचेगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।